इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस और लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम जो था, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखा था। तो उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे हमारे पास में चार ऑप्शन है। कॉकरेल ने किया, ब्रिकवेट है, ओटिस है और फ्रैंक वीटल है। तो यहाँ पे ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, ये कल हम लोगों ने देखा था। रडार का आविष्कार किसने किया, तो रडार का आविष्कार जे एच चाओ पैलेस ने, विम्बलवेल नोटे ने, पी टी, और यहाँ पे है जो हमारा टेलर एंड यंग है, तो टेलर एंड यंग जो है उसने रडार का आविष्कार किया था। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। हवाई जहाज़ की, तो नहीं, हवाई जहाज़ की खोज नहीं की थी। टेलीफोन की, नहीं। सेफ्टी लैंप की, नहीं। डायनामाइट की आविष्कार किया था, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, अल्फ्रेड नोबेल। चौथा क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तो तड़ित चालक के आविष्कारक जो हैं, ग्राहम बेल है, नहीं है। लॉर्ड लिस्टर है, नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन है, तो यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया। लॉरेंस ने किया, नहीं। जे एल बेयर्ड ने किया, यस। जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ये कल हम लोगों ने देखा था। इसे आगे अब देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार हॉपकिंग्स ने किया था, तो नहीं। एक्सरे का आविष्कार रॉडजन ने किया था, तो यस, रॉडजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला नंबर सातवां प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज न्यूटन ने नहीं किया था। जेम्स वाट भी नहीं किया था। रदरफोर्ड भी नहीं किया था। गैलीलियो ने किया था। तो टेलीस्कोप की खोज जो है वो गैलीलियो ने किया था। आठवां नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है वो राइट ब्रदर्स ने किया था। जो नौवां नंबर प्रश्न है हमारा, गैस इंजन की खोज किसने की। तो गैस इंजन की खोज जो है डीजल ने किया, नहीं। डेवी ने किया, नहीं। डैमलर ने किया था। गैस इंजन की खोज डैमलर ने किया था, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो दसवां नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम वर्नर नॉरबॉर्न ने नहीं किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, तो ये हो जाएगा परमाणु बम का आविष्कारक है। अगला 11 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। तो वर्नर नॉरबॉर्न ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। वर्नर नॉरबॉर्न ने नहीं किया, जे रॉबर्ट ने नहीं किया, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। 13वां प्रश्न है हमारा, लेज़र का आविष्कार किसने किया था। तो सर फ्रैंक हिटलर ने नहीं किया था, फ्रेम मॉरिसन ने नहीं किया था, टी एच मेमन ने किया था। लेज़र लाइट का आविष्कार टी एच मेमन ने किया था। 14वां नंबर प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। नोल और रुस्का ने किया था। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जैसे जेम्स वाट से वाष्पिंचन है, सही है। एजे बेल से टेलीफोन है, सही है। जे एल बियर्ड से टेलीविज़न है, सही है। जे पार्किंग से पेनिसिलिन नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं बेबेज। तो बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो यहाँ पे जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार जो है फ्रैंक वीटले ने किया था। अगला हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था।
तो माइक्रोफोन का आविष्कार डॉक्टर केविन कॉर्नोन ने नहीं किया था, डॉक्टर जो इंजाम्बे नहीं किया था, ग्राहम बेल ने किया था। अगला नंबर हमारा प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉडशो। ब्रॉडशो स्कूटर के आविष्कारक हैं। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे नहीं है, एडवर्ड जेनरल नहीं है, माइकल फैराडे नहीं है, एनरिको फर्मी है। एनरिको फर्मी ने रिएक्टर की खोज करी थी। उसके बाद हमारा 21वां प्रश्न है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था, क्योंकि इसने रेडियो को बनाया था जो कि वायरलेस था। अगला 22वां प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो हैं वो वाटरमैन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर के, विलहेम श्रोटेम के आविष्कारक कौन है? तो ये एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? डेवी नहीं है, शोल्स। शोल्स ने टाइपराइटर मशीन जो है वो आविष्कार किया था। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी नहीं है, चूँकि रेडियो के आविष्कारक हैं, डेवी ने किया था। अगला जो 26वां नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था बिजली के बल्ब का आविष्कार। जो हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टोफर कॉकरेल, उसके सामने हॉवरक्रॉफ्ट है, डेविड भूषण पंडुबी है, जेसी परियर भापपोत है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसमें से पहला और दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट और मॉसली ने किया था। जो हमारा 29वां प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन था। और जो हमारा 30वां प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था? तो मशीन गन का आविष्कार जो किया था वो जेम्स पकल द्वारा किया गया था। तो यह रहा हमारा आज का 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्न जो है वो खोज से, साइंटिफिक इक्विपमेंट से, वैज्ञानिक इक्विपमेंट से था जो उन्होंने खोज किया था, तो उससे रिलेटेड ये 30 क्वेश्चन थे। इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम बताते रहेंगे। और कल के वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ देखेंगे।